सब कुछ बस और लोगों को अक्सर ऐसा दिखा दे ये सब जो फिल्म में आई कि गाने का नाम है आर आर इंडिया और ये गाना मैं महमूद जी को डेडिकेट करना चाहता हूँ। साजन ऑल द बेस्ट कलवंटा चीर। आपको कैसा लगा ये अंदाज? इफ यू कैन सी इन माय आईज दे आर ऑल वेट। देयर आर टू रीजंस फॉर दैट। एक तो भाईजान यानी महमूद जी जिनको हम भाईजान कहा करते थे उनका मेरा बहुत नज़दीकी रिश्ता था। हम दोनों ने बहुत 12-15 फिल्में साथ में की हैं। एक तो उनकी याद आ गई और दूसरा जो इस लड़के ने किया, एक बाप अपनी बच्ची को खुश करने के लिए किस फैदम पे जाकर मतलब डांस फॉर्म में किया है, किस फैदम पे जा सकता है, किस ऊंचाइयों पे जाके वो उसको खुश करने की कोशिश करता है, वो भाव हिला रहा था मेरे दिल में। He's done it so nicely. Very nice. Thank you so much. परफॉर्मेंस ने ग्रैंड मास्टर आपको कैसा लगा? रेमो आप एक बार स्टेज पे आओ। इस गाने को ये फॉर्म में इस तरह इमोशनली पेश करने के लिए जीतू जी ने कहा कि यू डिजर्व ए ग्रैंड सैल्यूट। सो
थैंक यू जीतू जी, थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जो भी आपने मलखम पे किया वो बहुत अच्छी तरह से किया, बहुत सारे डेंजरस मूव्स थे। आप बीबॉइंग करते हैं लेकिन इसके लिए अलग तरीके का स्ट्रेंथ लगता है, तो काबिले तारीफ, बहुत काबिले तारीफ साजन। खाली एक चीज़ पे काम करना है आपको, गाना गाओ, और दूसरी चीज़ जब आप फ्लोर पे होते हैं अपने पैर उठते हैं तो पॉइंट कीजिए, बहुत छोटी चीज़ है, अगर वो कर सकते हैं आपने तो कुछ भी नहीं है, सच बोल रहा हूँ। सो वेरी गुड साजन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मास्टर टेरेंस। मास्टर गीता कैसा लगा आपको? ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है पोल मलकम करना, लेकिन आपने कोशिश की और कॉन्सेप्ट के द्वारा जो इन्होंने आपसे ये करवाया है, आई थिंक वेरी वेरी गुड जॉब फॉर रेमो, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट टू ब्रिंग समथिंग लाइक दिस ऑन द स्टेज। तो साजन वेल डन। थैंक यू। ये जो मलकम, ये कॉम्पिटिशन लेवल का रखा मैंने ऐसे नहीं रखा कि हाँ मलकम करना है चल सिंपल वाला कर लेते हैं कोई बात नहीं, मैंने नहीं बोला नहीं, यू डू इट के लोग देख के हिल जाए। साजन यू डिड इट ब्रिलियंटली, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू साजन, यू आर द बेस्ट। थैंक यू साजन, आज आपने सबको खुश किया और इस हफ्ते आप सुरक्षित भी हैं, ऑल द बेस्ट।